सिविल लाइन्स चंदकी राम अखाड़ा के पास बीजेपी का प्रचंड प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि सदन में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी के पार्षदों पर हमला किया था, उसी के खिलाफ लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और विरोध दर्ज करा रही है। बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, किस बात के लिए धरना चल रहा है और क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, आपकी गुंडागर्दी इस कदर पूरे देश ने देखी, एक एक कैमरा में उनके पार्षदों की गुंडागर्दी रिकॉर्ड हुई, और उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, दो दिन से जिस तरीके से सभी चैनल्स पे उनके प्रवक्ता बेशर्मी से आकर अपने ही पार्षदों को डिफेंड कर रहे हैं, इससे पूरे देश में एक बहुत ही हीन भावना का प्रचार हो रहा है। और हम सब लोग यहाँ पे आज इसलिए प्रदर्शन करने आए हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज दिल्ली के 250 पार्षदों को उन्होंने शपथ नहीं लेने दी, हाउस को रोका, क्या इससे पूरी दिल्ली का नुकसान नहीं हुआ? दिल्ली के विकास कार्य नहीं रुके? आज पार्षद शपथ लेकर के अपने काम शुरू करते, अपने एरिया में जाते, बजट लगाते, परंतु जिस तरीके से उनकी गुंडागर्दी के कारण पूरी की पूरी दिल्ली का नुकसान हुआ है, ये शर्मनाक है और उनकी गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। इस प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुंडागर्दी जो हुई थी, पर वो तो आपके ऊपर गुंडागर्दी का इल्जाम लगा रहे, इस प्रदर्शन के बाद कुछ चेंजेस आएगा, कुछ बदलाव आएगा? देखिए, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज यदि वो सोचे कि वो एमसीडी में सरकार में है और उनकी गुंडागर्दी चलेगी, तो हम ये चलने देने वाले नहीं है। हम लोगों को सड़कों पे प्रदर्शन करना पड़े या धरने पे बैठना पड़े, हम इस सरकार का विरोध करेंगे, जो अधिकार पार्षदों का है वो लेके मानेंगे। हमें शपथ करवानी है, हमें दिल्ली में काम करना है और हाउस चलाना है शांतिपूर्ण तरीके से। और जितना नुकसान उन्होंने नगर निगम का किया, उसके ऊपर उनकी FIR होनी चाहिए, उनकी गुंडागर्दी पे जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसके खिलाफ भी उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। देखिए, रेखा गुप्ता जी यहाँ पर साफ तौर पर कह रही हैं कि गुंडागर्दी जो है नहीं चलेगी, और यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता जो है मौजूद है, रामवीर सिंह भिदूड़ी जी, अंग्रेज सचदेवा जी है, और ये बब्बर जी है, यहाँ पर सब लोग जो है लगातार गुंडागर्दी का यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। सर वीरेंद्र जी, ये जो प्रचंड प्रदर्शन है, कितना बदलाव लाएगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारा ये प्रदर्शन उनके कृत्य के खिलाफ है। हम दिल्ली की जनता को, देश की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि जो अलीबाबा और 150 गुंडे सदन में गए हैं, उनका व्यवहार क्या है, इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। रामवीर जी, ये जो प्रदर्शन है, लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही है कि आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, लेकिन आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कितना बदलाव लाना चाह रहे हैं आप और क्या आपकी मांग है? अरे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को इन्होंने उसका अपमान किया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, पार्षदों ने, पीठासीन अधिकारी जो कि महिला है, वरिष्ठ निगम पार्षद है, पूर्व मेयर है, संविधान ने उनको अधिकार दिया कि जो निगम पार्षद चुनकर आए हैं या जिनको मनोनीत किया गया है, उनको शपथ दिलवाने की जिम्मेवारी उनको दी। और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के ऊपर कुर्सी फेंकी, कागज फाड़ दिए गए, आसन पर चढ़कर टेबल तोड़ दी गई, गाली गलौज किया। तो ऐसे विधायक और पार्षदों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, आम आदमी पार्टी के सभी 13 विधायकों को जो गुंडागर्दी करने के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को उकसा रहे थे, इनको निष्कासित करना चाहिए। तो एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी खुद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एलजी के खिलाफ वो खुद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी का। अरे आप मुझे बताइए, गुंडे ये करते हैं हाउस के अंदर, कुर्सियां ये मारते हैं पीठासीन अधिकारी को, कागज ये फाड़ते हैं, आसन पर चढ़कर मेज को ये तोड़ देते हैं, गाली गलौच ये कर रहे हैं, शपथ होने नहीं देते हैं। तो इनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए और सभी 13 के 13 विधायकों को 1 साल के लिए इस नगर निगम के हाउस से निष्कासित कर देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदूड़ी जी कह रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर का यहाँ पर केस जो है आम आदमी पार्टी के पार्षदों और विधायकों पर चलना चाहिए, क्योंकि सदन में जिस तरीके से कुर्सी टेबल तोड़ी गई है, बीजेपी के पार्षदों को टारगेट किया गया है, उसी के चलते ये प्रचंड प्रदर्शन हो रहा है। और साथ
साथ ही आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज एलजी और बीजेपी के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का भी धरना प्रदर्शन है और ऐसे ही यहां पर बीजेपी जो है सिविल लाइंस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने के लिए यहां एकजुट हुए हैं। लगभग 5000 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो कि बीजेपी के यहां पर मौजूद है और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ मैं मनीषा, न्यूज इंडिया।